हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। तो दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक रिक्वेस्टेड है, काफ़ी बार मुझे इसके ऊपर मैसेज आ चुका है कि जब हमारी शादी होगी तो हमारा ससुराल में दिन नेक्स्ट डे कैसा जाएगा और हमारी अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेसी, सुहाग रात जिसको आप बोल सकते हो, वो कैसी होगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगी बताने की, जो आएगा वो आपको ओके। जर्नल रीडिंग है, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, ओपन माइंडेड होकर आपने इसको सुनना है। कुछ भी ऐसा आता है जो आपके साथ मैच कर रहा है उसको आपने रख लेना है, कुछ ऐसा आता है जो मैच नहीं कर रहा है तो उसको आपने वहीं पे छोड़ देना है ओके। थीथा पर भी ध्यान नहीं देना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो आप इसकी प्लेबैक स्पीड को बढ़ा सकते हो। पहली बार आए हो इस चैनल के ऊपर, वेट गाइस, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को ज़रूर आपने प्रेस करना है, क्योंकि टाइम पे आपको मेरी वीडियो मिल सके, राइट। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, एनर्जीज एक्सचेंज के लिए वीडियो को आपने सुपर डुपर लाइक ज़रूर करना है। चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके ससुराल में आपका पहला दिन कैसा रहेगा। प्रेयर कर लीजिए अपने लिए और अपने पर्सन का नाम लीजिए, ठीक है, अपने नाम के साथ बार बार लीजिए, याद कीजिए उनको। तो देखते हैं कि आपका अपने ससुराल में पहला दिन कैसे रहने वाला है। लाइफ ही बदल जाती है यार, बहुत मेरी भी बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन बताएंगे हम आपको। चलें देखते हैं कि क्या आता है। अभी तो हम बात करते हैं आपकी, आपकी एनर्जीज को कैच करने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है। देखा, ये कार्ड ना मेरे को पहले भी दिखा था, मुझे लग रहा था कि आपका पहला दिन अपने ससुराल में कैसा रहेगा ओके। थोड़े कार्ड्स और निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक स्टक फीलिंग नज़र आ रही है कि नेक्स्ट डे आप अपने ससुराल में स्टक फील कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एकदम से नया माहौल होगा। अगर आपकी लव मैरिज होती है तो बात अलग है, अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप काफ़ी स्टक फील करने वाले हो अपने ससुराल में फर्स्ट डे। यस, काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड आया है, दो किंग आए हैं जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ओके। आपकी शादी पहले तो बहुत अच्छे घर में होने वाली है, ठीक है, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। दूसरा मेरे को ये भी लग रहा है यह आपकी लव कम अरेंज मैरिज होगी, ठीक है, या जो स्नैरियो यहाँ पे निकल कर आया है। जो फादर इन लॉ होंगे, जो उनका जो घर पे ना काफ़ी रोब होगा, काफ़ी रोबदार पर्सनालिटी होगी, लेकिन स्मार्ट एक फादर फिगर ना आपको उनमें देखने को मिलेगी। आप जो फर्स्ट डे है, जैसे कि अगर रात को 3 बजे 4 बजे जैसे बारात आती है ओके, तो फिर आपने मतलब कि आप एकदम ना एंजाइटी सी फील करोगे वहाँ पे, अपने आप को घुटा सा फील करोगे, कंफ्यूज रहोगे, यार ये क्या बिल्कुल ही चेंज हो गया सब कुछ, कहाँ अपने घर में मर्ज़ी से जाओ, मर्ज़ी से सो, जो मर्ज़ी करो। लेकिन आप उस समय ना उस माहौल में एडजस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप काफ़ी स्टक फील कर सकते हो। जो आपके मदर इन लॉ भी होंगे ना, जो जैसे फादर लो एंड किंग एंड क्वीन आया है ओके, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट नेचर के मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मैं आपके जो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है ना, उनकी मैं पर्सनैलिटी काफ़ी देख रही हूँ, काफ़ी रोबदार होंगे, मतलब कि
मन के अच्छे होंगे, एक फादर नेचर होगी, एक मदर नेचर होगी। लेकिन होता है ना कई बार जो सबसे बड़े घर पे होते हैं वो काफ़ी एक अलग ही पर्सनालिटी में आपको दिखते हैं, राइट। तो आप ना उस सिचुएशन में काफ़ी एक घुटन सी फील करोगे, एन्जाइटी डिप्रेशन को फील करोगे, क्योंकि अब आपको उनके अकॉर्डिंगली चलना होगा, राइट। आपके पर्सन आपको प्यार का कप देने के लिए आपके पीछे पीछे घूमेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन आप कन्फ्यूज रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका ज़्यादातर ध्यान अपने इन लॉज की तरफ होगा, क्योंकि आप एक चाहते हो कि एक मैं बेस्ट बहू बनूं या बेस्ट सन इन लॉ बनूं। तो आप क्या करोगे, आपका प्रॉपर ध्यान उनकी तरफ होगा। ज़्यादातर तो लड़कियों को ही घर छोड़कर जाना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरे को सिनेरियो दिख रहा है कि नेक्स्ट डे आपको एक तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, बहुत अर्ली उठना पड़ेगा, बहुत सी रस्में होंगी जो आपको करनी होंगी, जिसके कारण आपको ना अपनी मदर इन लॉ से भी बात करने में एक अजीब सा डर फील करोगे, ठीक है। काफ़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी इस समय आपको, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और कार्ड देख लेते हैं कि और क्या होगा। आप अपने घर वालों को बहुत मिस करने वाले हो, आप अपनी फैमिली को इस समय बहुत मिस करने वाले हो। ये सोचकर भी आप थोड़े से उदास हो जाओगे, चाहे आपकी लव मैरिज है, लेकिन एक क्योंकि जो शादी होती है ना सिर्फ लड़का और लड़की की नहीं होती, पूरी फैमिली का इसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। आप अपने घर वालों का प्यार, उनकी केयर, मतलब एक आज़ादी सी आप ना बहुत मिस करने वाले हो इस सिचुएशन में नेक्स्ट डे, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। क्योंकि आपको जल्दी उठना होगा, आपको रेडी होना होगा, क्योंकि कुछ रस्में होंगी जो आपको वहाँ पे करनी है, जिसके लिए आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे और सोचोगे कि यार कब मुझे सोना मिलेगा। मतलब एक अलग सी आप यहाँ पे ना मैं एंजाइटी और डिप्रेशन को देख पा रही हूँ। आगे देख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये तो चलता रहता है, ये बातें नॉर्मल हैं डियर, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि जब हम अगर हम इस कहीं रहने भी जाते हैं, छुट्टियां भी गुजारने जाते हैं या घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें चेंज मिलता ही मिलता है। तो ये तो फिर हमारे पति देव का घर होगा, है ना। तो और देख लेते हैं। यस, आप बहुत अपने पेरेंट्स को मिस करने वाले हो, उनके प्यार को, अपने भाई बहन को बहुत मिस करने वाले हो। आप इसमें अपने आप को ना थोड़ा सा हैंग्ड फील करोगे, जैसे स्टक आया ना। एट नंबर भी दो बार आया है, तो एट नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं आपके पति आपको आवाज़ें देंगे, अरे सुनो, अरे बात सुनो, थोड़ा मेरे पास आओ। मतलब वो काफ़ी टाइम ना आपके पीछे पीछे रहेंगे, वो चाहेंगे आपको अपना प्यार का कप देना। लेकिन क्या होगा कि आप ना कंफ्यूज रहोगे। एट नंबर तीन बार आया है, जो मैं बात कर रही थी, एट नंबर तीन बार आया है, तो हो सकता है आने वाले समय में एट मंथ में आपकी शादी हो सकती है, या आठ महीने के बाद आपकी शादी हो सकती है, ठीक है, या आठ दिनों के अंदर आपकी शादी हो रही है, जिसके कारण आप काफ़ी इस समय नर्वस लग रहे हो कि पता नहीं मैं वहाँ पे जाके मेरा क्या होगा, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी, या कैसे एडजस्ट, लड़कों का नहीं बोले, लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो अपनी फैमिली को आप बहुत मिस करने वाले हो। दूसरी साइड में ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड करेंगे और आपको बार बार अपनी ओर बुलाएंगे, लेकिन आप उनमें और उनकी फैमिली में कन्फ्यूज रहोगे, अरे यार किसको टाइम दूँ, उनको दूँ उनको दूँ। मतलब ये सिचुएशन आपकी होने वाली है, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। नेक्स्ट डे और क्या हो सकता है, आप उनकी फैमिली में एडजस्ट कर जाओगे, बहुत ईजिली कर जाओगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अपना घर तो हमें हमेशा ही याद आता है। आप थोड़े से उदास रहोगे, अपने घर वालों को छोड़ के आए होगे तो बहुत उदास फील करोगे, सैड फील करोगे, क्योंकि आपने उनको छोड़ा है। ये आप उनके अपने घर जो अपने इन लॉज हैं उनका कप नहीं देख रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे हो, जिनके कारण आप बहुत उदास सैड फील करोगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आप उनके प्यार को बहुत मिस करने वाले हो, लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके इन लॉज भी आपको बहुत प्यार करेंगे, आपका खूब प्यार भरा स्वागत किया जाएगा, जो यहाँ पे देख पा रही हूँ। यस, द हेरोफेंट आया है। देखा, ये लड़के के पास जो ये किंग है, इसके पास सब कुछ है, मतलब सब उसकी बात सुन रहे हैं। जो आपके हस्बैंड होंगे ना, सब लोग उसकी मानते होंगे, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, राइट। तो आपकी जो शादी है ना, नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी बहुत अच्छे घर में जाओगे, यहाँ पे पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी, मतलब हर चीज़ अवेलेबल होगी वहाँ पे, और आप
थोड़ा सा उदास हो गए अपने घर वालों को लेकर, क्योंकि आप उनको छोड़ के आए हो, जिसके कारण आप थोड़ा सा सैड फील करोगे। लेकिन जैसे जैसे रस्में स्टार्ट होंगी, आपके जो इन-लॉज आपके पास आना स्टार्ट करेंगे, आपको प्यार करेंगे एक फादर की तरह, एक मदर की तरह, तो आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओगे, राइट। थोड़ी सी एंजाइटी इसलिए फील होगी कि अरे पता नहीं मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे, मेरे पापा क्या कर रहे होंगे। मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो बहुत क्लोज होती है अपने फादर के, तो आप उन चीज़ों को लेकर उदास हो गए, ठीक है। जो यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी और शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छी होगी, आपको बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अच्छी फैमिली मिलेगी, बहुत अच्छे आप घर में जाओगे। जो यहाँ पे यस, ये देखो कितनी हैप्पी फैमिली है, ठीक है। आपकी 10 की 10 इच्छाएं, जैसा आप चाहते थे वैसा हस्बैंड मिलेगा, वैसे आपको उनकी फैमिली मिलेगी, प्यार करने वाली फैमिली मिलेगी। 10 की 10 ही आपकी जो विशेज़ है ना वो कंप्लीट होंगी, बहुत अच्छी फैमिली होगी। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स की अरेंज मैरिज होगी जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, और आपकी जो मैरिज होगी वो बहुत अच्छे घर में होगी। ये इतना अच्छा घर होगा कि आप अपने घर वापस ही नहीं जाना चाहोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप इतनी अच्छी तरह से उस घर में घुल मिल जाओगे कि एडजस्ट कर लोगे कि यस। और मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जिनकी शादी लव मैरिज होगी, अपने पर्सन के साथ होगी, ठीक है, और वो बहुत बहुत प्यार करने वाले होंगे। इतना प्यार आपको ससुराल में मिलेगा कि आप अपने घर वापस जाना तो भूल ही जाओगे। अब आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि मैं किसी और के घर में आई हूँ, ठीक है। आपको इतना प्यार मिलने वाला है, ठीक है, आपको क्वीन की तरह रखा जाएगा। आपके जो हस्बैंड है ना जिनसे आपकी शादी होगी, वो आपको इतना प्यार करेंगे, आपको एक क्वीन की तरह रखेंगे, बहुत प्यार से, बहुत एक नाजुक जो होती है ना चीज़, जिसको हम संभाल के रखते हैं, पलकों पे बिठा के रखेंगे। आपके इन लॉज भी यस, आपको पैसे को लेकर तो ये तो आप भूल ही जाओ, फाइनेंशियली आप काफ़ी स्ट्रांग घर में जाओगे, काफ़ी स्ट्रांग होंगे जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आपके पास दुनिया की हर खुशी होगी, ये देखा इसके 7 of Cups आया है, हर कप में अलग अलग चीज़ है, वैसे ही आपको दुनिया की हर खुशी इस घर में मिलने वाली है जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। बहुत प्यार के साथ आपको इस घर में दुनिया की हर चीज़ जो एक लड़की चाहती है उसके पास हो, उस हर चीज़ आपके पास होगी। बहुत अच्छे घर में आप जाओगे, ठीक है, आप बहुत अच्छे फैमिली के लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे, क्योंकि किंग एम्परर आया है, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया था क्वीन ऑफ सोर्ड, आपके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बहुत अच्छे होंगे, आपकी हर खुशी का सुख सुविधा का ध्यान रखा जाएगा, इवन कि आपके हस्बैंड भी आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत प्यार मिलने वाला है। आपकी किस्मत व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत चमकने वाली है, ओके, मतलब आप जिस भी, अगर आपकी अरेंज मैरिज होती है तब भी आप बहुत सुखी रहोगे, अगर आपकी लव मैरिज होती है तब भी आप बहुत सुखी रहोगे। लेकिन यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने परिवार को बहुत मिस करने वाले हो, क्योंकि आप उनसे भी बहुत प्यार करते हो, ख़ास तौर पर आप अपने फादर को बहुत मिस करने वाले हो, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, वर्ल्ड कार्ड, ओके। हो सकता है कि आपकी शादी आउट ऑफ कंट्री हो, आप एब्रॉड सेटल हो जाएं, या आप शादी के बाद हनीमून पे एब्रॉड भी जा सकते हो, हनीमून के लिए घूमने कहीं जा सकते हो, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड आया है, हो सकता है आपकी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपके पर्सन ओवरसीज में रहते हो। जो यहाँ पे निकल कर आया है कि आपकी शादी एकदम मस्त होने वाली है, बहुत अच्छे घर में होने वाली है, आप खूब इंजॉय करने वाले हो। शादी के नेक्स्ट डे आप बहुत सारी रस्में करने वाली हो, 7 of Cups आया है, बहुत सारी ऐसे रस्में होंगी जैसे रिंग को ढूंढना, मतलब हर एक घर में अलग अलग, हर एक कास्ट में या हर एक रिलीजन में अलग अलग जो रिवाज होते हैं ना वो करे जाएंगे, ठीक है। किसी बच्चे को गोद में बिठाया जाएगा, आपको चेड़ा जाएगा कि जल्दी से आप दादा दादी भी बना दो, ठीक है। और आपके हस्बैंड तो प्यार में ही डूबे रहेंगे, वो आपको बुलाते रहेंगे, आजा यार बस कर अब जल्दी से आजा, मतलब वो इन रस्मों से परेशान हो जाएंगे, ठीक है, वो स्टक फील करेंगे आपके बिना, वो स्टक फील करेंगे, अरे यार ये सब कब खत्म होगा, कब मैं उसको पकड़ूंगा, उसको चूमूंगा, उसको हग करूंगा, कब वो टाइम आएगा। आपके पर्सन इस चीज को लेकर काफ़ी बेचैन रहने वाले हैं, ठीक है। डेविल की एनर्जी आई है, काफ़ी सेक्सुअल काफ़ी अट्रैक्शन होगा आपकी तरफ, वो आपके साथ सेक्स करना चाहेंगे, इंटीमेसी चाहेंगे, आपको अपनी बाहों में लेने के लिए तड़पते रहेंगे, अरे कब ये सब खत्म होगा, कब वो मेरे पास आएगी, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है इसलिए उन्होंने कोई होटल या होटल में रूम भी बुक करके रखा होगा, वो काफ़ी बेचैन रहने वाले हैं ऐसी सिचुएशन में, आपको पकड़ने के लिए, हग करने के लिए, वो मतलब
बैठे बैठे कई एक्शन सोचेंगे कि अगर ये आएगी मैं ये एक्शन करूँगा इसके साथ, इसको ये दूंगा। हो सकता है उन्होंने आपके लिए कुछ अलग ही प्लान करके रखा हो, बहुत से एक्शन सोच के रखे हों, कुछ अलग सी नाइटी वगैरह लेके रखे। वो भी स्टक फील करेंगे आपकी तरह, क्योंकि उनका मन करेगा कि अरे बड़ी मुश्किल से तो शादी हुई है, अब ये क्या है सब, ये सब क्यों नहीं ख़त्म हो रहा। मतलब वो बहुत बेचैन रहेंगे आपको हक करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए। उन्होंने बहुत सपने सजाए हैं, ठीक है, जो यहाँ मैं देख पा रही हूँ। जो आपका आपका फैमिली के साथ रिलेशन अच्छा हो, इसलिए आप पूरी जी तोड़ मेहनत करोगे। आपके नंद के साथ या आपकी इन लॉज के साथ रिलेशन अच्छा रहे, आप उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दोगे और आपके पर्सन का ध्यान पूरा आपकी तरफ होगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से थोड़े से कार्ड यहाँ से देख लेते हैं और क्लैरिटी ले लेते हैं कि आफ्टर मैरिज आपके नेक्स्ट डे कैसे जाने वाला है। तो यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूवर्स का नेक्स्ट डे आफ्टर मैरिज कैसे जाने वाला है। वेट गाइस, कार्ड गिर गया है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ भी आया है, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ भी आया है। आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा, आपको बैलेंस बनाना होगा, अपने हस्बैंड को भी खुश रखना होगा और अपने इन लॉज को भी खुश रखना होगा, ठीक है। क्योंकि मेन क्या होता है, सारा कुछ लड़की के ऊपर आ जाता है ना, कि इसको ही एडजस्ट करना है, इसी को ही सबसेट करना है। ओके, यस, आपकी शादी बहुत अच्छी रहेगी, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा रहेगा। देखा ये कपल कितना खुश है, आपकी शादी बहुत बहुत अच्छी रहेगी। आफ्टर मैरिज आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी बहुत अच्छे घर में, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपकी शादी होगी। आपको एक क्वीन की तरह रखा जाएगा। एम्परर कार्ड आया है, एम्प्रेस कार्ड आया है, कपल कार्ड आया है। यस, आपको एक क्वीन की तरह रखा जाएगा। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी और वो बहुत ही खूबसूरत होगी, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ओके, यस, बहुत आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करेंगे। एक बहुत जो अट्रैक्शन है वो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, फिज़िकली अट्रैक्शन मैं यहाँ पे बहुत देख पा रही हूँ। वो आपको छोड़ने नहीं वाले हैं, बहुत कुछ उन्होंने सोच के रखा है, बहुत एक्साइटमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको लेकर। वो काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। जो डर अगर आपके मन में था कि पता नहीं शादी के बाद मेरा उस घर में क्या होगा या मेरी लाइफ कैसे जाने वाली है, तो डोंट वरी गाइस, आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। जो लड़के हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि उनके जिससे उनकी शादी हो वो कैसा हो, कैसी होगी, राइट। और लड़की के लिए होता है कि वो लड़का कैसे होगा। तो यहाँ पे जो सिनेरियो निकल के आया है, आप दोनों के लिए ही, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, आप दोनों के लिए ही बहुत अच्छा घर आपको मिलने वाला है। कुछ की लव मैरिज होगी और कुछ की यहाँ पे मैं अरेंज मैरिज देख पा रही हूँ, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। आपकी विश पूरी होगी। नाइन ऑफ कप्स आया है। जैसा आप चाहते हो, जैसा आप पति चाहते हो, जैसी आप पत्नी चाहते हो, ठीक है, आपको वैसे ही अपना लाइफ पार्टनर मिलेगा और दुनिया की सारी खुशियां मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, टू ऑफ कप्स यहाँ भी आया है, टू ऑफ कप्स यहाँ भी आया है। यस, मोस्टली यहाँ पे मैं लव मैरिज देख पा रही हूँ। आप दोनों एक दूसरे के लिए सोलमेट हो, ठीक है, बहुत प्यार करने वाले होंगे आपके हस्बैंड और आपकी वाइफी। बहुत बहुत प्यार मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत इंजॉय करने वाले हो। नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। एम्प्रेस आया है, तो आप एक बहुत ब्यूटीफुल सी बनकर, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल लगने वाले हो। और नेक्स्ट डे आप अपने इन लॉज के घर काफ़ी इंजॉय करने वाले हो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे बॉटम पे आया है, तो यहाँ पे भी आया है। कार्ड्स अपने आप को रेजोनेट कर रहे हैं, तो यस, आप कहीं ट्रैवल पे जाने वाले हो। मे बी आपके हस्बैंड ने हनीमून के लिए कुछ ट्रैवल सोचा है, हनीमून यहाँ जा। सॉरी गाइस, वेट गाइस, बहुत आवाज़ आ रही है, मैं एक मिनट दरवाज़ा बंद कर दूँ गाइस इस डिस्टर्बेंस के लिए। ओके, तो मे बी हो सकता है आपके हस्बैंड आपको आफ्टर मैरिज आप बाहर अब्रोड सेटल हो जाओ, ठीक है, आप कहीं घूमने के लिए जाओ, जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो यस, आफ्टर मैरिज नेक्स्ट डे आपका बहुत अच्छे रहने वाला है, आप खूब इंजॉय करने वाले हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एस ऑफ सोर्ड आया है। यस, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ एक नया मोड़ लेगी। बहुत सी खुशियां मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स आया है, टेन ऑफ कप्स आया है। बहुत अच्छे घर में आप जाने वाले हो और खूब अपनी लाइफ को इंजॉय करने वाले हो।
तो आई होप जिन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि हमारा आफ्टर मैरिज फर्स्ट डे हमारे ससुराल में कैसा होगा, तो गाइस बहुत अच्छा होने वाला है। आप खूब इंजॉय करने वाले हो, एक न्यू ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, हर घर में छोटी छोटी बातों में झगड़ा, प्यार झगड़ा ये तो चलता रहता है। जब हम अपने घर में भी होते हैं, अपने पेरेंट्स के पास होते हैं, तब भी वहाँ चलता है ना ये, हम एडजस्ट करते हैं ना ये। तो वैसे ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करना है और अपनी लाइफ को सेटल करना है। ओके, तो आई होप जिन्होंने फरमाइश करी थी इस रिक्वेस्टेड वीडियो के लिए, तो आपकी इच्छा पूरी हो गई होगी। तो नेक्स्ट डे आपका आपकी फैमिली के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, बहुत प्यार मिलेगा, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, मे बी आप वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हो या आपका हनीमून बाहर होने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको सुपर डुपर लाइक करना है, इसको शेयर करना है, ओके, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना है, ओके, और अपना खूब सारा ध्यान रखना है, खूब खुश रहना है। मैं तो चाहती हूँ कि आपको दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें, बहुत खुश रहो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ, दुनिया की सारी सारी खुशियाँ आपको मिलें। ठीक है, इसी दुआ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।